हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। नमस्कार, क्विक न्यूज प्रोग्राम में आपका स्वागत है। टॉपिक है पहले GI टैग के लिए अंडमान निकोबार की दावेदारी। हाल ही में GI यानी भौगोलिक संकेत टैग के लिए अंडमान निकोबार ने अपना आवेदन दिया है। निकोबारी होदी शिल्प के लिए दिया गया यह आवेदन केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार की तरफ से पहला आवेदन है। होदी निकोबारी जनजाति का पारंपरिक शिल्प है। यह एक प्रकार का आउटरिगर कैनो या नाव है। मुख्यतः इसका संचालन निकोबार द्वीप समूह में किया जाता है। जनजातीय विकास परिषद TDC द्वारा इसका आवेदन गुइंडी भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री चेन्नई में किया गया है। निकोबार द्वीप समूह में होदी का उपयोग एक द्वीप से दूसरे द्वीप तक लोगों और विभिन्न प्रकार के सामान जैसे नारियल, मछली आदि के लाने ले जाने के लिए किया जाता है। इसके अलावा मछली पकड़ने और बोट रेसिंग के मकसद से भी इसका प्रयोग किया जाता है। होदी बनाने की तकनीक निकोबारी लोगों को उनके पूर्वजों से विरासत में मिली है और यह स्वदेशी ज्ञान पर आधारित है। सामान्यतः होदी बनाने के लिए लगभग 60 से 80 साल पुराने पेड़ों के सीधे तने का उपयोग किया जाता है। होदी को स्थानीय रूप से उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों जैसे पेड़ों का उपयोग करके तैयार किया जाता है। हालांकि इसका डिजाइन एक द्वीप से दूसरे द्वीप में थोड़ा भिन्न होता है। देश में GI टैग वस्तु पंजीकरण और संरक्षण एक्ट 1999 के तहत भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री द्वारा सामान्यतः 10 वर्ष के लिए जारी किया जाता है। भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री का मुख्यालय तमिलनाडु के चेन्नई में स्थित है। यह वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। हाल ही में बनारस की ठंडई, दूध, सूखे मेवे और मसालों से बना हुआ पेय, इसके लिए GI टैग की मांग करने वाला एक आवेदन दायर किया गया था, जो GI टैग के लिए 1000वां आवेदन था।